नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के लिए हम लोग रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो 18 और 19 जून को पूछे जा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि जैसे कि शोर होता है नदी समुद्र का किनारा, तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो मिलता जुलता है? तो वो हो जाएगा फुटपाथ, मतलब रोड पर ही फुटपाथ होता है, और समुद्र के मतलब जो सी होता है, किनारा समुद्र होता है, उसी के किनारे समुद्र को किनारा कहते हैं। अगला है फोर्ट में फोर्ट्रेस होता है तो पोर्टिको में बिल्डिंग होएगा। अगला है बड में फ्लावर खिलता है, मतलब जैसे कि कमल हो गया, जैसे कि कमल खिलता है कीचड़ में, तो इसी प्रकार सैपलिंग में मिट्टी में या जमीन पर कह सकते हैं ट्री उगता है, पेड़ उगता है। अगला है कि क्रिकेट एक गेम है, देन हिंदी क्या हो जाएगी? एक लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन है कि 1:8 समानुपात 27, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो हमें ये लग रहा है कि किसी न किसी का क्यूब है, तो एक का क्यूब क्या होता है? 1। 2 का क्यूब क्या होता है? 8। 3 का क्यूब क्या होता है? 27। आगे क्या आएगा? 4 का क्यूब। 4 का क्यूब क्या हो जाएगा? 64। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है 24:126:48, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो क्या करेंगे? तो हम लोग कोई ट्रिक अपनाएं। तो अगला क्वेश्चन कैसे होगा? तो अगर इसमें हम लोग 24 में गुणा 5 का करें तो कितना हो जाता है? 120, और प्लस 6 करें तो कितना? 126। देखिए ये बन गया। इसी प्रकार अगर हम लोग 48 का गुणा 5 में करते हैं तो आता है 220, सॉरी 240। अगर इसमें 6 जोड़ दें तो 246। तो ये ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसमें अगला ट्रिक लगेगी। तो क्या होगा? तो हम लोग देख लेते हैं कि ये किसी ना किसी वर्ग का के पास है या ज़्यादा है। तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। इसमें से अगर एक घटा दें तो 24। इसी प्रकार हम लोग 126 में देखेंगे। ओके, इसी प्रकार देखते हैं हम लोग 126, तो 5 का क्यूब कर दिया तो 125, माइनस 1 कर दिया तो एक, प्लस 1 कर दिया तो 126। तो इसमें स्क्वायर हो रहा है और क्यूब हो रहा है। इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे 48 में, अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49, इसमें से 1 हटा दें तो 48। देन 4 के बाद 5 आया था, सॉरी 5, ये 5 का था और ये 7 का था। अब हमें 7 का ही क्यूब करना पड़ेगा, तो 7 का क्यूब होता है 343, और इसमें 1 ऐड कर देंगे तो 344 आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 7:45 समानुपात 5, तो यहाँ पर क्या आएगा? तो अगर 7 का गुणा 6 में करें तो कितना आ जाएगा? 42, और 42 में 3 जोड़ दें तो 45। इसी प्रकार अगर हम लोग 5 का गुणा 6 में करें तो 30, 30 में अगर 3 जोड़ दें तो आंसर हो जाएगा 33। ये हमारा आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस में पूछा गया है। देखिए 16:34 समानुपात 11:11, यहाँ पर क्या आएगा? तो 16 का गुणा अगर 2 में करें तो 32, 32 में 2 ऐड कर दें तो 34। इसी प्रकार 11 का गुणा 2 में तो 22, प्लस 2 ऐड कर दें तो 24। अब ये देखिए 32×10=54, 32 फिर 67×53, तो कैसे होगा? तो क्या करेंगे? 3210 हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ओके, इसमें अगर 2 ऐड कर दें सम में तो कितना बन जाता है? 5, 4, 3, 2। ये देखिए ये बन गया पूरा 54×32, ये देखिए बन गया। इसी प्रकार हम लोग इसमें करेंगे 6, 7, 5, 3 को ऐसे लिख दिया, इसमें 2-2 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? 8, 9, 7 और 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें यहाँ पे निकालना है, तो सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अगर 15 का गुणा 5 3 में करें तो 45, 45 में प्लस 5 कर दें तो 50, देखिए मिल गया। इसी प्रकार 18 के लिए 18 का गुणा 3 में 54, में 5 ऐड कर दें तो 59, तो देखिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है रॉक, हिल, माउंटेन, रेंज, स्टोन,
तो इसमें क्या करना है कि इसे क्रम से लगाना है अल्फाबेटिकली की तरह। तो इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी वाला आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टोन आएगा, फिर रॉक आएगा, फिर आएगा हिल, फिर आएगा माउंटेन, फिर रेंज। ओके, क्योंकि इसमें छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए ये हो गया। अगला इसमें भी सेट करना है, रेन, मानसून, रेस्क्यू, फ्लड, शेल्टर और रिलीफ। तो इसमें ऑप्शन सी इज राइट आंसर। पहले आएगा मानसून, उसके बाद क्या होगा, फिर रेन होगी, फिर क्या होगा शेल्टर, सॉरी फ्लड बाढ़ आएगी, फिर तीसरे पे क्या है रेस्क्यू ऑपरेशन होगा, फिर शेल्टर, फिर नहीं पहले फिर रिलीफ मिलेगी, फिर सेटल हो जाएंगे सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। ओके, फिर बाईं ओर मुड़कर 6 किलोमीटर गया, फिर अपने बाईं ओर मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। रमेश अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो इसको कैसे करेंगे। तो रमेश अपनी कार से 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया, तो पूरब कहाँ का होता है, यहाँ पे, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, 4 किलोमीटर पूरब की ओर गया। फिर क्या कह रहा, बाईं मुड़कर 6 किलोमीटर गया, तो अपने आप को खड़ा करके देख लीजिए, तो बाईं कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर। फिर कह रहा फिर भाई अपनी बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं क्या होगा, ये रहा, तो कितना चला 4 किलोमीटर। ओके, ये हो गया 4। रमेश अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट था, तो ये जब 6 है तो ये भी तो 6 होगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 किलोमीटर। अगला, एक पासे को निम्नलिखित दो भिन्न आकृतियों से पता लगाइए कि लाल के सामने कौन सा रंग है, तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग दोनों फिगर में कॉमन ढूंढेंगे, देखिए पीला मिल गया कॉमन, ओके, फिर मिल गया सफ़ेद, तो हमें बताना है कि लाल के सामने कौन सा रंग है, तो लाल का क्या बचा, काला, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमें बताना है कि एक जैसे कि ये दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसमें आकृति में बचाने की कैसी बनेगी। तो हमें पता है कि दर्पण प्रतिबिंब में उल्टी बनती है आकृति, तो ऑप्शन सी देखिए उल्टा बन रहा है, ये ऊपर हिस्सा चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, देखिए ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ये देखिए। अगला, इसमें भी उल्टी आकृति बनेगी, ये ऐसा ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, तो ऑप्शन बी में हो रहा है ऐसा, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, इसमें भी दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसमें भी ये हिस्सा इधर आएगा, ये हिस्सा इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताएं।